नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल आपको करवाता है भारतीय तीर्थ स्थलों के दर्शन। सावन का महीना चल रहा है और हम आपको भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवा रहे हैं। और इस समय हम हैं दारुका वन में। द्वारका से 20 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात में स्थित है ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अधिकतर श्रद्धालु जो भगवान श्री द्वारकाधीश मंदिर के दर्शनों के लिए आते हैं, वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो दूरी है वो मात्र 20 किलोमीटर है। तो आप ऑटो करके भी आ सकते हैं, आप अपनी गाड़ी से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो बेहद ही खूबसूरत है, क्योंकि जो ये रास्ता है ना, ये अरब सागर है इसके चारों तरफ ही, बीच में एक छोटी सी सड़क है। तो चलिए सबसे पहले आपको दर्शन करवाते हैं, यहाँ का महात्म्य बताते हैं। तो जैसे ही आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, जो मंदिर का बाहरी हिस्सा है, परिसर का बाहरी हिस्सा है, काफ़ी बड़ा एरिया है वो, और साफ़ सफाई भी बुरी अच्छे से की हुई है। मंदिर में अंदर जब हम गए वहाँ पर एक लंबी लाइन आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी जो मैनेजमेंट है बहुत बढ़िया से है। तो इस तरह से जो मंदिर का अंदरूनी परिसर है वे भी काफ़ी बड़ा है, जो भक्तगण है दूर से ही प्रभु के अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। तो जो दर्शन करने में टाइम लगता है, एवरेज लगभग आप मान के चलिए आधा से पौना घंटा। जब भीड़ अधिक होती है तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन सामान्यतः तौर पे यहाँ पर आपको आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के हमने अंदर दर्शन कर लिए हैं। पहले तो मैं यहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की आपको 3 मुख्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, फिर यहाँ पर स्थापित होने का क्या महात्म्य है, पुरानी कथा है, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर जब हम अंदर गर्भगृह में देख रहे थे तो चांदी के कवच में ढके हुए हैं, और यहाँ पर उन्हें नाग और नागिन के रूप में पूजा जाता है। वो ऐसा इसलिए है कि भगवान भोलेनाथ ने अपने एक भक्त सुप्रिया नाम के भक्त को, एक दारुक नाम का राक्षस था, उससे बचाने के लिए यहाँ पर नाग और नागिन के रूप में अवतार लिया था। और तब से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी को यहाँ पर नाग नागिन के रूप में पूजा जाता है। और इसीलिए यहाँ पर केवल गंगा जल का अभिषेक नहीं किया जाता, उसके साथ साथ ही जो भक्त हैं वो नाग और नागिन का जोड़ा भी यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो ये एक मंदिर का यहाँ पर एक विशेष महत्व है इस बात का। इसलिए जब भी आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में आएँ तो यहाँ पर नाग और नागिन के रूप में भगवान शिव का एक बार अभिषेक जरूर करवाएँ। और मंदिर के बिल्कुल साथ में यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ की एक बहुत बड़ी प्रतिमा के दर्शन होंगे। भक्त यहाँ पर आकर उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवा रहे होते हैं। 25 मीटर ऊंचाई पर ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं, महादेव जी का ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। दूर से ही आपको ये दिखती है जब आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ आ रहे होते हैं। तो इतनी विशाल, इतनी दिव्य प्रतिमा है यहाँ पर महादेव जी की, आप 2 से 4 मिनट तक तो वैसे ही प्रभु को निहारते रहते हैं। और विशेषकर जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं महादेव जी की प्रतिमा में, तो ये और भी भव्य लगती है। तो दूसरा, यहाँ पर अब बात करते हैं भगवान भोलेनाथ के स्थापित होने की कथा इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में। तो जिस क्षेत्र में अभी हम खड़े हैं इसे बोला जाता है दारुका वन। एक राक्षस था दारुक नाम का, उसके नाम पर ही इस पूरे क्षेत्र का नाम दारुका वन पड़ा। तो वो यहाँ पर एक भक्त हुआ करता था सुप्रिय नाम का, तो भोलेनाथ की भक्ति में वो लीन रहता था, लेकिन दारू को इससे आपत्ति थी, तो उसने कई तरह की अड़चने डाली सुप्रिया नाम के भक्त की भक्ति में, और दारुक ने सुप्रिय की भक्ति को रोकने के लिए जेल में बंद कर दिया। तो कारागार में भी सुप्रिय की भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा, उसने वहाँ पर भी अपनी शिव भक्ति जारी रखी, और कारागार के जो बाकी के बंदी थे वो भी उसकी भक्ति से प्रेरित होकर भगवान शिव की भक्ति करने लगे। यह सब देखकर दारुक नाम का जो राक्षस था वो और भी अधिक क्रोधित हो उठा, और उसने सुप्रिय नाम के उस भक्त के प्रति अपनी जो यातनाएं थी और भी अधिक बढ़ा दी। तो भगवान भोलेनाथ को फिर एक दिन यहाँ पर नाग और माँ पार्वती जी को नागिन के रूप में अवतरित होना पड़ा, और अपने भक्त की रक्षा की उन्होंने उस दारुक नाम के राक्षस का वध करके। और तभी से भोलेनाथ और माँ पार्वती यहाँ पर नाग और नागिन के रूप में पूजे भी जाते हैं, और यहीं पर सदा सदा के लिए वो स्थापित भी हो गए। अपने भक्त के लिए नाग रूप में जब भगवान शिव अवतरित हुए तो इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तीसरा, यहाँ पर आपको गोमुख गंगा के भी दर्शन होंगे। मंदिर के बिल्कुल पीछे है छोटी सी नदी हम कह सकते हैं उसको, तो उसके भी आप दर्शन करिए। तो हम जब अंदर दर्शन कर रहे थे ना गर्भगृह में,
तो जैसा मेरे को मैंने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी देखा था, वहाँ पर भी वो चांदी के कवच से ढके हुए थे। अब भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग थोड़ा छोटा है, ये वाला ज्योतिर्लिंग उसका इसका आकार थोड़ा सा बड़ा है और एक गुफा में है जी, नीचे की तरफ है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको दर्शन जो करने हैं नागेश्वर बाबा के, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के, वो आपको नीचे की तरफ जाकर करने हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में आकर अगर आपने अभिषेक करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। हमने यहाँ पर करवाया था तो हमें यहाँ पर 200 रुपये प्रति व्यक्ति लगे थे जब हमने अंदर नागेश्वर महादेव जी का अभिषेक किया था। और कहते हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने में जो टी सीरीज़ के हमारी गुलशन कुमार जी हैं उनका भी बहुत योगदान रहा है। आज भी उनका परिवार इस मंदिर के प्रति एक विशेष आस्था और श्रद्धा रखता है और मंदिर कार्य में अपना पूर्ण सहयोग देता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की वास्तुकला की अगर बात करें तो नागरा स्टाइल ये वास्तुकला है, जिस तरह से हमने त्रिमकेश्वर ज्योतिर्लिंग की वास्तुकला देखी थी, या सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की वास्तुकला भी कुछ इसी तरह की ही है। तो ये तो हो गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास ही ना आपको दो और प्रमुख मंदिर मिलेंगे। एक तो यहाँ पर है माँ अम्बे का मंदिर, है गेट के बिल्कुल साथ में ही है। वहाँ पर नई संतान दंपत्ति आते हैं अपने गृहस्थ जीवन को बढ़ाने के लिए। आप मंदिर परिसर में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं। और दूसरा पौराणिक यहाँ पर तीर्थ स्थल है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 5 किलोमीटर की दूरी पर गोपी तालाब, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और अपने घर के लिए यहाँ पर आपको गोपी चंदन मिलता है, जो कि ये सामने आप तालाब देख रहे हैं ना, इसमें से निकाला जाता है। इसका जो पौराणिक इतिहास थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर गोपियाँ, भगवान कृष्ण की गोपियाँ ने आकर स्नान किया था तो, और उसके बाद से ही ये तालाब पवित्र हो गया और इस तालाब से चंदन की जो मिट्टी निकलने लगी और इसको प्रसाद के रूप में जो भक्त हैं वो अपने घर ले जाते हैं। इसी गोपी तालाब में ही आपको भगवान श्री कृष्ण की 5000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा के भी दर्शन होंगे। और ये दो मुख्य तीर्थ स्थल हैं जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल पास में हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाहर भी आपको गाड़ियों की पार्किंग के लिए एक खुला एरिया यहाँ पर दिया गया है, तो वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक बाई रोड अपनी गाड़ी में आते हैं। तो ये थे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा में हमारे नागेश्वर बाबा जी के दर्शन। अगले एपिसोड में हम महादेव जी के एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको करवाएंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।